मंजिले बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती है। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेते हैं, बहादुर तो वे है जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे, मगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। फ्रेंड्स, आप सबों का भरत सर बायोलॉजी चैनल में स्वागत है। मैंने आपसे कहा था कि बोर्ड मॉडल्स क्वेश्चंस जिसकी मैं चर्चा अगले वीडियो में करूंगा, और उसी के साथ मैं आज इस वीडियो में उपस्थित हूं। जैसा कि पूर्व के वीडियो में आपने लाइव प्रोसेसेस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन पर वीडियो को देखा, अगर हिंदी में कहे तो जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन पे आप लोगों ने वीडियो देखा। आज मैं इस चैप्टर से जुड़ा वीवीआई क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके बोर्ड में 50% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अच्छे अंक प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होता है। लेकिन मैं यह बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बहुत से अभिभावक, बहुत से बच्चे की यह समझ होती है कि बहुत नंबर ऐसे ही उड़ जाएगा, ऐसे ही नंबर कैसे ला पाएंगे आप, जब तक आप विषय वस्तु का अध्ययन गहनता से नहीं कर पाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते कहां से है, छन कर आता है, छनता है तो छन करके जो ऊपर आता है सो है। तो कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव इज द ग्रैंडफादर ऑफ द सब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव आसान नहीं होते हैं। आप अगर किसी अध्याय को, किसी वीडियोज को आप पूरा अगर देखते हैं तो उससे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, वो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे, बहुत कम समय में आप उसका उत्तर दे पाएंगे। दूसरी चीज है कि आपके जो प्रश्न आते हैं उसमें चार तरह के प्रश्न होते हैं बच्चों। पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं, वस्तुनिष्ठ, जिसमें MCQ, मल्टीपल च्वाइस हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं, गिव इन वन वर्ड हो सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव का जो उत्तर होगा केवल और केवल एक ही सही होगा। और ये आज पूरी दुनिया के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नेचुरल सिलेक्शंस में हेल्पफुल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के आंसर केवल और केवल वही होते हैं। दूसरा प्रश्न होता है, तो ऑब्जेक्टिव जो है आपके नॉलेज पे आधारित होता है, तो जो प्रश्न पत्र आपके होते हैं ज्ञान का होता है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग का होता है, समझ एप्लीकेशंस, जो आपने प्रश्न आपने जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशंस आप कहां कर सकते हैं, और अंत में स्किल्स पे होता है। तो आपने समझ गया, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और कौशल पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे कि वे महत्वपूर्ण है। और एक और चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न बताऊंगा
उसके साथ में उत्तर भी बताऊंगा। लेकिन परीक्षा में ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रश्न वही है, मूल रूप से प्रश्न वही होंगे, लेकिन उसे बदल कर भी पूछा जा सकता है, उसके मोड को चेंज किया जा सकता है। इसके लिए कॉन्सेप्ट जो है अवधारणा होनी चाहिए। तो अब हम लोग सीधे सीधे उस बहुमूल्य प्रश्न की ओर रुख करेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग भी तैयार हो जाइए अपने नोटबुक के साथ और शुरू हो जाते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। चलिए, तो पहला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, या अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, या अमीबा अपना भोजन किस अंग के द्वारा ग्रहण करता है। ये आंसर क्या होगा? कूटपाद, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे स्यूडोपोडिया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अमीबा कूटपाद या स्यूडोपोडिया के सहारे भोजन को पकड़ते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरे प्रश्न पर चले। वसा पर कौन सा एंजाइम क्रिया करता है? वसा, फैट, लिपिड्स। फैट पे वसा पर कौन सा एंजाइम क्रिया करता है? ऑप्शन हो सकते हैं रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज। तो आपको समझना है कि वसा पर लाइपेज जो है, लाइपेज एंजाइम वही काम करता है और भोजन को वह क्षारीय बनाता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर रुख करें। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? प्रश्न क्या है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा ऊर्जा मुक्त होती है? ऐसा भी प्रश्न हो सकते हैं कि श्वसन के कौन से प्रकार है जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ऐसा भी हो सकता है कि श्वसन के कौन से प्रकार ऊर्जा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है या अधिक उपयोगी है। तो आप जानते हैं कि दो तरह का श्वसन होता है, वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा अवायवीय श्वसन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में जो होता है उसमें अधिक ऊर्जा होती है, और आपने रेस्पिरेशन में देखा है, तो इसका आंसर होगा वायवीय श्वसन, एरियल रेस्पिरेशन या एरबिक रेस्पिरेशन। अब हम चौथे प्रश्न की ओर रुख करेंगे। मछली का श्वसन अंग क्या है? प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि मछली अपने शरीर के किस अंग से सांस लेते हैं। तो मछली का श्वसन अंग है गिल्स यानी गलफड़े, गिल्स यानी गलफड़े, और इसे अंग्रेजी में गिल्स। तो गिल्स के द्वारा, गलफड़े के द्वारा मछलियां सांस लेती है, और मछली का तस्वीर भी आपने देखा था रेस्पिरेशन में और गिल्स का। तो ये आप समझ चुके हैं वीडियो से, इसलिए बहुत आसान है आपके लिए इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं होगा, विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसका पिक करेंगे आंसर। तो हम आगे रुख करें पांचवे क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन है, एस्टोमाटा पत्ररंध्र या रंध्र, एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है? तो प्रश्न क्या है कि पत्तियों में पत्ररंध्र किस सेल्स के द्वारा, किस कोशिका के द्वारा बंद होती है और खुलती है, यानी कोशिका के अंदर एस्टोमाटा के खुलना और बंद होना किसके नियंत्रण में है। तो प्रश्न है जिस तरह से भी पूछा जाए, एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को तो कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल्स। क्या होगा आंसर? द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल्स। अब अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। छठा प्रश्न है, वृक्क किडनी गुर्दा की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी?
तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, यानी वृक्क किन चीजों से बना है? तो आंसर होगा इसका निफ्रॉन। क्या होगा? निफ्रॉन, या इसका दूसरा नाम होता है यूरिनिफेरस टिब्यूल, वृक्क नलिकाएं या वाहिनियां। अगले प्रश्न की ओर करते हैं, सातवां प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? कंफ्यूज नहीं करना है। आपने देखा कि उत्सर्जन लंग्स के भी द्वारा होता है, स्किन्स के भी द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा भी होता है, फेफड़ा के द्वारा जो होता है, नेजल पार्ट्स के द्वारा होता है, ये सब चीजें। लेकिन यहां है कि मुख्य उत्सर्जी अंग, तो आपने देखा कि 1.5 से 2 लीटर की जो है यूरिन हमारे शरीर से दिन भर में निकलता है, जो सबसे अधिक मात्रा में एक्सक्रीटी सब्सटेंसेस है। और किसे निकलता है यूरिन? तो किडनी के छन्ने से, किडनी यानी। तो मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग क्या है? वृक्क किडनी। ठीक है बच्चों, आगे रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? अमीबा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस विधि से होता है? तो इसका आंसर विखंडन, और विखंडन में किससे? द्विखंडन। ऑप्शंस अगर रहेंगे, यहां बच्चों बहुत ध्यान देने की बात है, अमीबा में अलैंगिक जनन किन किन विधियों से होता है, और वहां उसमें अगर है द्विखंडन, बहुखंडन, सी में है दोनों, और अगर डी में है चारों, उपयुक्त सभी, तो यहां कंफ्यूजन नहीं करना है। अमीबा में बाइनरी फिजन भी होता है और मल्टीपल फिजन भी होता है, बहुकोशिकीय विखंडन भी होता है, बहुविखंडन भी होता है, और द्विखंडन भी होता है। ऐसी स्थिति में आपको प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रश्न समझना है कि अमीबा में क्वेश्चन क्या कर रहा है। अमीबा में अलैंगिक विधि द्वारा किस विधि से विभाजन होता है, तो उसमें ऑप्शंस क्या है? तो ऑप्शन में हो सकता, और विखंडन है तो विखंडन होगा, विखंडन और बहुखंडन दोनों अगर है तो दोनों होगा, दोनों होता है इसमें। आगे की ओर रुख करते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसी से होता है? रंध्र या पत्र रंध्र या एस्टोमाटा, पत्तियों पे पाई जाने वाली पोर्स, एस्टोमाटा। एस्टोमाटा से ही, पत्र रंध्र से ही पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। आगे हम लोग रुक करें, जो आज का 10वां क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज? तो आप जानते हैं C6H12O6, C6H12O6, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। 11 नंबर क्वेश्चन आज का क्या है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? आप तो पोषण देखा है, स्वपोषण, परपोषण, परपोषण में मृत पोषण, परजीवी, प्राणिश्रम, तो कैसा पोषण अमीबा में होता है? और आपने वीडियो पूरा देखा है और आपकी स्मृति में भी है, तो क्या होगा? अमीबा में अधिकांश पोषण ह्यूमन बींग की तरह, हम लोग की तरह होता है, प्राणी सम यानी होलोजोई, प्राणी सम पोषण यानी होलोजोई पोषण होता है। अब मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों, आपने जो वीडियोज देखे थे, उस वीडियोज में देखने के बाद इसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो आपको परेशान कर सकता था। आप अपने टेस्ट के लिए चाहते तो जैसे ही पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आया था, उसके बाद आप क्या कर देते, उसको क्या करते, नीचे कमेंट करते तुरंत, और कमेंट करके आप अपना टेस्ट स्वयं कर लेते। आप क्वेश्चन आया कि अमीबा में भोजन कैसे पकड़ता है, और जस्ट आप कमेंट करते,
फिर आप देखते कि क्या है, तो आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। और मुझे विश्वास है कि आपने अगर सभी वीडियोज को पूरा पूरा अगर देखा है तो इसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिससे आप परेशान होइए, तो इसे आप नोट कर ले, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को हमेशा प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये घुमा करके जिस तरह से भी हो तो नोट कर ले। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? आप सोचिए, याद आई? हाँ बिल्कुल सही, हरे पौधों में। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पौधों में होती है। फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दो वास्तुकोण बंडल थे, संवहन ऊतक थे, तो फ्लोएम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है? याद आया? बोलिए। हाँ सुक्रोज, सुक्रोज के रूप में। वृक्क किडनी किससे संबंधित है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, किससे? हाँ बिल्कुल सही, क्या होगा? उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है, कौन? वृक्क या किडनी। तो वृक्क जो है किससे जुड़ा हुआ है? उत्सर्जन तंत्र से है, जिस रूप में भी आए। आपको यह प्रश्न अगर आप समझ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, उसके मेन ऑर्गेन्स क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, बहुत आसानी से आप जवाब विदाउट कंफ्यूजन के। तो अगले प्रश्न के रुख करें, क्वेश्चन नंबर 15, किसके उपस्थिति के कारण पौधे का रंग लाल हरा होता है? हरा क्यों दिखता है पौधा? तो आप जानते हैं किसी का, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, हरित लवक। तो हरित लवक के कारण जो है पौधे जो है पर्णहरित, सॉरी पर्णहरित के कारण, हरित लवक का पार्ट है क्लोरोफिल, तो पर्णहरित के कारण पौधे का रंग हरा होता है। स्वपोषी जीव के लिए क्या आवश्यक है? जरा सोचिए, स्वपोषी जीव है कौन? हरे पौधे। तो हरे पौधे को क्या चाहिए? अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाता है कि स्वपोषी जीव के लिए आवश्यक है, एक में सूर्य का प्रकाश, दो में पर्णहरित, तीन में आपका अगर है H2O एवं CO2, और चार में है उपयुक्त सभी। तो क्या देंगे? पहला हमने कहा सूर्य का प्रकाश, दूसरा में कहा पर्णहरित, तीसरा में कहा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा में कहा उपयुक्त सभी। तो क्या होगा आंसर? सभी। तो प्रकाश संश्लेषण के स्वपोषी जीव कैसे भोजन करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? तो उसके लिए चाहिए सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, H2O और CO2, ये सभी चीज चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न होंगे उसमें पूछा जा सकता है, एक में सूर्य का प्रकाश, दो में पर्णहरित, तीन में H2O एवं CO2, और चार में उपर्युक्त सभी। तो आप चूंकि जानते हैं इसलिए आप सही ऑप्शन होंगे उसके उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न जो है वह है, पौधों में प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन होते हैं? किस अंग के द्वारा प्रकाश जो है एब्जॉर्ब करते हैं? तो क्या होगा? हरित लवक, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फेयर। तो हम मानक जो है, मानक कितना होता है? 0.0.03%। लेकिन अगर पॉल्यूटेड एरिया है तो ज्यादा भी होगा, लेकिन आपको जो रिकॉर्ड्स के रूप में एज ए नॉलेज ग्रुप में रखना है कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो 19 नंबर प्रश्न है,
ग्रहणी किसका भाग है? हमने आपको वीडियो में चर्चा किया था बच्चों, याद कीजिए, ग्रसनी, ग्रहणी और ग्रासनली, क्योंकि कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे। ग्रासनली यानी फूड पाई, ग्रसनी यानी जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक कॉमन प्लेस है, जहां दोनों खुलता है, कॉमन पार्ट है ग्रसनी, और यहाँ है ग्रहणी। तो ग्रहणी क्या है? ड्यूओडेनम किसका भाग है? तो ये छोटी आंत का अग्रभाग है। किसका है? छोटी आंत। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, इसमें सबसे जो आगे सी आकार की होता है उसको छोटी आंत, ग्रहणी या ड्यूओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का यह पार्ट है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब जो अंत 20वां प्रश्न है, 20 नंबर, वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जीव कौन सी क्रियाएं करके जीवित रहते हैं, या जीवित रहने के लिए जीव कौन सी क्रिया करते हैं? तो वो है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस यानी जैव क्रिया के द्वारा जीव क्या है? अपना अनुरक्षण, अपना अस्तित्व को बचाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर करती है? अगर क्वेश्चन ये है, हो सकता है कि ऑप्शन ये है कि प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? प्रकाश की दर, प्रकाश की मात्रा और गुण दोनों पर निर्भर करता है। प्रकाश की मात्रा एवं गुण दोनों पर निर्भर करती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश की मात्रा और गुण दोनों पर निर्भर करती है। किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी होता है? किस रंग की प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी होता है, या किस रंग में, प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे अधिक होता है? तो क्या होगा जवाब? लाल। बिल्कुल सही। तो इसका हुआ लाल, यानी लाल रंग के प्रकाश की किरण में प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे अधिक होता है। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, क्वेश्चन नंबर 23। तो आप जानते हैं इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल, इस तरह से सनलाइट, सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल और C6H12O6 + 6H2O + 6O2, यही प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। 6CO2 + 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6H2O + O2। अगला प्रश्न, तो 24th क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो इसका जवाब होता होगा क्या? मुंह या मुख, यानी मुंह से ही पाचन क्रिया की शुरुआत हो जाती है। 25th क्वेश्चन, 25 नंबर का प्रश्न क्या है? किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए किस चीज का उपयोग जो है कोशिका करते हैं? तो किसका करते हैं? ग्लूकोज का करते हैं। कोशिकाओं में कौन सी? तो ग्लूकोज संचित होते हैं, C6H12, और उसी का ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। मनुष्य में सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीश्वसन, अनऑक्सीश्वसन, श्वसन नहीं, तो क्या? श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग, सांस लेना और सांस छोड़ना सिर्फ श्वसन नहीं है। तो क्या होगा?
श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। और क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, कोशिकीय ईंधन क्या है? सेलुलर फ्यूल्स, कोशिकीय ईंधन क्या है? तो C6H12O6, C6H12O6 यानी ग्लूकोज जो है, या ग्लूको यही जो है कोशिकाओं में संचित ईंधन है, इसी का प्रयोग करके कोशिका में एनर्जी मिलती है। ये था क्वेश्चन नंबर 27। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? कॉकरोच किस से सांस लेते हैं बताइए? ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, लाल रक्त कण या रक्त लाल किसकी उपस्थिति के कारण दिखता है? रक्त का लाल दिखना किस चीज की उपस्थिति के कारण होता है? क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखता है। मानव हृदय में, क्वेश्चन नंबर 30, मानव हृदय में रेशमों की संख्या होती है? ह्यूमन हार्ट कंटेंट चेंबर, हाउ मेनी चेंबर्स आर अकर्स इन ह्यूमन हार्ट। तो मानव के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो मानव के हृदय में कितने होते हैं? 4, 2 अलिंद और 2 निलय। तो क्या होगा? 4, 4, 4 की संख्या में मानव के हृदय में वेश्म होते हैं या कुष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन। शिथिलन क्या है? तो उसके लिए डायस्टॉल कहते हैं, डायस्टॉल कहते हैं। और इसी जगह पर है कि हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को? तो उसका क्या होगा आंसर? सिस्टोल। और अनुशीथरण को डायस्टोल। मृदा से जल का अवशोषण होता है किस उत्तक के द्वारा? या ऐसा ही पूछ सकता है कि पानी एवं घुलित लवण का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा? तो ये होता है जाइलम। जाइलम के द्वारा जो है पौधे में जल और घुलित लवण का स्थानांतरण होता है, जो मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं पौधे। रक्त का थक्का पड़ना किसके कारण होता है? जब हमारा किसी पार्ट इंजोर हो जाता है, ब्लड निकल लगता है, तो ब्लड रक्त थक्का बन जाता है, जिससे ब्लड का फना हेमरेज रुकता है। तो ब्लड का क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बनना किसके कारण होता है? तो होता है पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के द्वारा। तो अब हम लोग 34th क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन क्या है? रक्त क्या है या रक्त उत्तक है? ब्लड उत्तक है, कैसा उत्तक है? तो ब्लड जो है, अगर चार ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, मान लीजिए एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, तो क्या ऑप्शन होगा? तो रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। 35, धमनी
आर्टरी में प्रायः कैसा रक्त प्रवाहित होता है? प्रश्न को समझिए। धमनी में प्रायः जनरली कैसा रक्त प्रवाहित होता है? ऑक्सीजन जनित कि वी ऑक्सीजन जनित? तो होगा आंसर ऑक्सी जनित, यानी ऑक्सीजेनेटेड ब्लड जो है प्रायः धमनी में बहता है, लेकिन एक अपवाद भी है। कौन? फुफ्फुस धमनी, जिसमें शुद्ध रक्त नहीं बहता है। ऑक्सीजनित रक्त को हम शुद्ध रक्त भी कह सकते हैं, यानी धमनी में प्रायः शुद्ध रक्त बहता है। क्वेश्चन नंबर 36। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर एक हेल्दी मैन का कितना होता है? तो 120/80। 120 यानी सिस्टोलिक प्रेशर और 80 डायस्टोलिक प्रेशर। इससे अधिक होता है तो हाइपरटेंशन, और इससे कम होता है तो हाइपोटेंशन। और रक्त, क्वेश्चन नंबर 37, रक्तचाप मापी यंत्र कहलाता है। रक्तचाप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? एस्फिग्मो मैनोमीटर। रक्त दाब मापी यंत्र, एस्फिग्मो मैनोमीटर, एस्फिग्मो मैनोमीटर। इसी के माध्यम से रक्तचाप को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ विच प्लांट? तो चीर। क्या होगा उत्तर? चीर। चीर के पौधे से रेजिन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 39। बहुत गौर से देखिएगा बच्चों। एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड का विखंडन से अमोनिया, यूरिया तथा डैश बनता है। क्या क्या बनता है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल बनता है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं? ये बताइए। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख। एक मिलियन प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 मिलियन यानी 10 लाख। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक चैप्टर के बाद अब तक आपने देखा कि पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन से जुड़े आपने वीडियोज को देखा, और उसके बाद उससे जुड़ा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसकी मैंने चर्चा किया। इसके बाद भी जब मैं अगले वीडियोज को आपके बीच प्रस्तुत करूंगा, तो कुछ वीडियोज के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करूंगा। आप पूरे वीडियोज को जरूर देखेंगे, और वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देखते ही आपके स्मृति में वह उसका उत्तर आ जाएगा। इसके अलावा भी अभी जो 4 चैप्टर्स हुए हैं, उससे जो महत्वपूर्ण, खासकर जो फिगर पूछा जाता है, जो चित्र पूछा जाता है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं, उत्सर्जन तंत्र का तस्वीर बनाएं, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाएं और हृदय का नामांकित चित्र बनाएं। ये 4 फिगर बच्चे आप वीडियो को बार बार देखकर प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे जब यह क्वेश्चन
लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आता है तो बहुत आसानी से आप इसको ड्रॉ कर देंगे और बहुत अच्छे अंक इसमें आप लाएंगे। फिगर्स पे पूरे का पूरे अंक मिलता है, तो इसका आप प्रैक्टिस करेंगे और आपसे पूरे वीडियो को, जब भी किसी वीडियो को देखते हैं तो शुरू से अंत तक उसको देखें। इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है, विषय वस्तु की जो अवधारणा है, वो स्पष्ट होगी। बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद।